हाँ, मेरा नाम बंसीलाल मीणा है और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, कंपनीज, फर्म इत्यादि जो सरकार ने लाइसेंस दे के चलाई थी, और जब से 2014 से हमारे मोदी सरकार आई राज में, तब से सभी कंपनियों को सीज कर दिया गया और ताले लटका दिए गए और एक कानून बना के दे दिया 2019 में, अनियमित जमा योजना पाबंदी एक्ट 2019। उसके अंतर्गत हमारे भारत के नागरिकों को जिन्होंने जमा पूंजी करवाई थी उनको यहाँ पे प्रत्येक जिला पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कागजों में बता रहे हैं। इसके बाद जो कहने का मतलब जिले में सक्षम अधिकारी होता है और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए इन्होंने कागजों में, उनसे हमको उनको हम आवेदन पेश करने हैं। और टाइम बाउंड एक्ट है ये 180 डेज का, 180 दिन में जैसे आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक 180 दिन में उस ठगी पीड़ित का भुगतान 2 से 3 गुना कर दिया जाएगा, ये एक्ट बनाया गया है। और उसी एक्ट को की पालना हमारी राज्य सरकार है और भारत की सरकार, वो खुद बनाया है उन्होंने, उनके राज में बनाया है, पूरी संसद की सहमति से बनाया है, फिर भी उसको धरातल स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इसके बारे में हमने हमारे माननीय सांसद महोदय डूंगरपुर बांसवाड़ा राजकुमार जी रोहत साहब के प्रस्तुत हमने हमारी जो पीड़ा है उसका ज्ञापन दिया है। और यहाँ की प्रशासन पुलिस जो अपने हाथीपोल थाना के CI साहब द्वारा हमारे साथ अभद्रता की, हमारे कपड़े फाड़े, रगड़ के गाड़ी में डाला गया, हम संवैधानिक रूप से हमारी मांग रख रहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका भी ज्ञापन हमने दिया है। उस पर उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के घसीट के अभद्रता, गाली गलौज और हमारे कपड़े उतरवा के अंदर किए, उसका हमको कहने का मतलब FIR करें और बताएं किस धारा में हमको अंदर घसीट के ले गए, उसका खुलासा होवे, नहीं तो उन CI साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुआ है और यहाँ से हमको न्याय मिलना चाहिए। ये हम सरकार के मालिक तो भारत की जनता है, हमारी GST टैक्स उससे इन वर्दीधारियों की जो नौकरी का जो हमको उनका मिलता है नौकरी का वेतन, बहुत हम पूरे भारत की हिंदुस्तान की जनता से लिया जाता है, सरकार देती है और वो हमारे नौकर हमको घसीटते हैं ऐसे नौकरों के साथ। कहने का मतलब नौकरों की तरह नौकर कैसे नौकरी की जाती है उनको बताया जाए और मालिक किस प्रकार हुक्म करता है उसका हमको फैसला और निर्णय हमको चाहिए। कितने दिन हुए और क्या सब? 4 सितंबर को हुआ है, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने को कितने दिन हुए? धरने को 1 सितंबर 2024 से आज 10वां दिन है, लगातार जारी है और हम परमिशन भी मांग रहे हैं। हमने 15x15 टेंट का, जबकि हमने 23 जुलाई को हमने इनको सूचना दे दी गई है, हमने बाकायदा इनको लिखित में दिया है, हमको यहाँ असहयोग आंदोलन जो शासन प्रशासन के खिलाफ हम कर रहे हैं वो संवैधानिक रूप से कर रहे हैं और संवैधानिक मांग है हमारी, वो सत्याग्रह के माध्यम से हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसका परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और हम संवैधानिक तरीके से एक भारत के नागरिक को जो अधिकार हैं हमारे संविधान ने दिए हैं, हम हमारी मांग को एक रोड के एक तरफ बैठ के फुटपाथ पे जा नालियों में नाली के पास बैठ के हम जो कर रहे हैं वो भी हमको नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है हमारे नौकरों द्वारा। उन नौकरों को बताना है कि मालिक क्या होता है, मालिक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि मालिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया उसका जवाब चाहिए, उसका हमें न्याय चाहिए। जय हिंद, जय राजस्थान। रोहत साहब ने क्या कहा? रोहत साहब ने कहा, हमें आश्वासन दिया इस पे मैं कार्रवाई करूँगा, मैं संसद में भी ये अनियमित जमा योजना कानून की जो बात है वो उठाऊँगा और अपना हक है जो दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा, और जिस अधिकारी ने हमारे साथ बदतमीजी की है, बेसलूकी की है, उसके लिए भी हम कानून से बात करेंगे और कानून से उनको सजा दिलवाएंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। जिला अध्यक्ष उदयपुर बंसीलाल मीणा, हमारी जो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जितनी मल्टी स्टेट कंपनी सोसाइटी फर्मों आदि को लाइसेंस दिया था
और उन्हीं को बता के जैसे कंपनी भरको ने जो लाइसेंस दिखा के अपने पूरे भारत को योजनाबद्ध तरीके से रखा है और वर्तमान सरकार मोदी जी के द्वारा 2019 में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कैम 1920 को 2019 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी है, लेकिन आज भी कई धरातल स्तर पर इनका कोई कुछ नहीं है। और उसमें उस कानून एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है कि हर जिले में एक फास्ट्रैक कोर्ट अलग से गठित की जाएगी एक करते थे और वहाँ पे सक्षम अधिकारी IAS IPS अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। उससे 2-4 सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके तहत जो भी ठगी का शिकार हुआ है वो पीड़ित वहाँ जाके अपना क्या लग रहा है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियाँ सरकार की नीतियाँ क्या बदलेगी और इस तरह आंदोलन इनका चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए सरकार तो एक अभी जो सरकार है वर्तमान में जो सरकार है ये सरकार पूंजीपति की सरकार है और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जो मतलब लाखों अरबों करोड़ों रुपए जो जमा हुए थे लोगों पे जो आम जनता के जो पैसे जमा हुए थे वो पैसे के ऊपर सरकार कुंडली मार के बैठ गई। वो पैसे जनता के पैसे हैं और उन पैसों को जनता को भुगतान करना चाहिए, लेकिन जो ये सरकार है आज की सरकार है गरीब और पिछड़ों और आदिवासी मजदूर लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक परचम को धर्म के नाम पे लोग गुड़ खिला रही है, छोटा गुड़ कोनी पे लगा रही है, लेकिन उनकी जो वास्तविक जो मांग है, जो पीड़ा है गरीब की, क्या पीड़ा है उस पीड़ा की तरफ वो देख नहीं रहे। आज ये 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके साथ प्रशासन मारपीट भी कर रही है, लेकिन ये मजबूर है क्योंकि इनके पास जो पैसे थे, इनके जो सेविंग्स थी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करी। अब ये मरने या तो यहाँ के धरना दे या मरने की कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, पीड़ित भी है। तो हम चाह रहे हैं, जब मैं भारत आदिवासी पार्टी का जिलाध्यक्ष, हम पूरी तरह से इनके समर्थन में हैं और इनको गरीबों का जो पैसा है इनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में इनके साथ में आकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।